भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी, यानी व्यक्तवाणी के माध्यम से जो अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जाती है उसे भाषा कहते हैं। भाषा शास्त्रियों ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों का की वह पद्धति है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर भाव और विचार का विनिमय करता है। इस परिभाषा से भाषा के संबंध में चार बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर एक, भाषा एक पद्धति है। नंबर दो, भाषा संकेतात्मक है, भाषा में वाचिक ध्वनि संकेत होते हैं। नंबर चार, भाषा यादृच्छिक है, यानी ऐच्छिक है, जो शब्द जो नाम शब्द पदार्थों के लिए हमने दे दिए वे उसके लिए रूढ़ हो गए हैं, ये ऐच्छिकता भाषा में है। भाषा का जो प्राचीनतम साहित्य हमें मिलता है वह वैदिक साहित्य है, और वैदिक काल से भाषा को समझने समझाने की चेष्टा चलती रही है। ऋग्वेद भाषा को परिभाषित करते हुए भाषा का नाम राष्ट्रीय और संगम्य देता है, जो इस बात को स्पष्ट करती है कि भाषा राष्ट्र का निर्माण करने वाली है। भर्तृहरि भाषा को विश्व से जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं, इसलिए वे उसे विश्व निबंधनी कहते हैं। भाषा विराट है, सर्वव्यापक है और समस्त वांग्मय का भंडार है, लेकिन यह भाषा हमें पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं मिली है, यह अर्जित संपत्ति है जिसे मनुष्य निरंतर सीखता रहता है, और यह सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि जन्म से जो मनुष्य को प्राप्त है वो वाक शक्ति है, और भाषा की सीखने की प्रक्रिया जीवन काल में होती है। क्योंकि यदि यह पैतृक संपत्ति होती तो मोगली की कहानी में हम जानते हैं कि जानवरों के संग रहने वाला मोगली के पास इंसान की एक सशक्त भाषा होती, लेकिन उसके पास वह भाषा नहीं थी क्योंकि भाषा उसने सीखी ही नहीं थी। तो भाषा को सीखने की जो ये परंपरा है, ये जो पद्धति है, ये जीवन भर चलती रहती है, इसीलिए भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, उसे हम सीखते रहते हैं, और उसका प्रवाह नदी के वेग जैसा होता है जो निरंतर गतिशील है, और यह गतिशीलता में ही उसकी जीवंतता है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, लेकिन इस सरलता की ओर जाते हुए भी उसमें प्रौढ़ता और परिमार्जन लगातार होता रहता है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, इसका प्रमाण हिंदी साहित्य का इतिहास है। पहले संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, और अभ्रंश से हिंदी, यानी लगातार कठिनता से वो सरलता की ओर जा आ रही है, लेकिन उसकी प्रौढ़ता और उसका परिमार्जन निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। बोलचाल की भाषा क्रमशः सशक्त और समृद्ध होते हुए ज्ञान विज्ञान को पढ़ने पढ़ाने का माध्यम बनती है, उसकी अर्थ क्षमता बढ़ती है, उसमें नए नए शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता का उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। हर भाषा का ढांचा स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, क्योंकि हर भाषा का व्याकरण, उच्चारण, शब्द रूप, धातु रूप, वाक्य रचना, शब्द रचना सब भिन्न भिन्न होती है। जैसे संस्कृत भाषा में तीन लिंग हैं, तीन वचन हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन उसी से उत्पन्न हिंदी भाषा में दो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, दो वचन, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है, लेकिन अंग्रेजी वाक्य रचना में हम देखते हैं कि कर्ता के बाद में क्रिया और फिर कर्म आता है। हिंदी जैसी बोली जाती है ठीक वैसी लिखी जाती है, लेकिन अंग्रेजी के उच्चारण में और वर्तनी में अंतर दिखाई पड़ता है।
यहाँ तक कि हम दूसरी भाषा से जब कुछ शब्दों को ग्रहण करते हैं तो उसका प्रयोग भी हम अपनी भाषा के ढांचे और संरचना के अनुसार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, ताजा और बेहुदा शब्द उर्दू में सिर्फ पुल्लिंग रूप में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में होता है। जैसे फल ताजा है और सब्जी ताजी है, लड़का बेहुदा है और लड़की बेहुदी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर भाषा में अगर हमें संप्रेषण क्षमता की निरंतर वृद्धि करनी है, उसमें कौशल हासिल करना है, तो भाषा कौशल सीखना आवश्यक है। बिना भाषा कौशल के हम अपनी अभिव्यक्ति क्षमता, संप्रेषण कौशल को में दक्ष नहीं हो सकते। तो आज की पाठ में हम यही चीजें सीखेंगे कि कैसे हम भाषा कौशल को सीख सकते हैं। भाषा में मूल इकाई जो है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो वर्ण है, और वर्णों का सार्थक योग शब्द होता है। शब्द का जो प्राण तत्व है वो अर्थ है। शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनता है। वाक्य में शब्द का प्रयोग पद रूप में होता है। इन्हें शब्द जब वाक्य में आता है तो उसकी प्रस्तुति पद रूप में होती है। जैसे कमल एक शब्द है, लेकिन जब हम कहते हैं कि तालाब में कमल खिल रहे हैं, तो अब कमल को पद रूप में ही हम ग्रहण करेंगे। और वाक्य में जो ये आने वाले पद हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नाम पद और क्रिया पद। नाम पद में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि आते हैं, और क्रिया पद में क्रिया आती है। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि। और वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय इसी के अंतर्गत आते हैं। पहले हम विकारी शब्दों को देखेंगे। आज की कक्षा में हम विकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम सीखेंगे। सबसे पहले संज्ञा। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं, या पदार्थ मात्र संज्ञा है। वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, या वस्तु मात्र संज्ञा है। इन सारी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि पदार्थ या वस्तु अपने आप में संज्ञा नहीं है, अपितु इनका नाम संज्ञा होता है। संज्ञा के भेद पर हम बात करेंगे। संज्ञा के भेदों के संबंध में विभिन्न मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का आग्रह है कि संज्ञा के तीन भेद हैं, कुछ उसके चार भेदों की बात करते हैं, और अंग्रेजी प्रभाव और प्रयोग के आधार पर संज्ञा के पांच भेद भी माने गए हैं, और ये वाले भेद बहुप्रचलित भी हैं। संज्ञा के ये पांच भेद इस प्रकार से हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और पांचवी है द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति या पदार्थ के बारे में जो विशेष है का नाम बताते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम, काशी, गंगा, हिमालय, रामचरितमानस, भारत आदि। राम कहने पर किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, प्रत्येक व्यक्ति का नहीं। गंगा कहने पर किसी खास नदी का बोध होता है, प्रत्येक नदी का नहीं। काशी कहने पर किसी खास नगरी का बोध होता है, प्रत्येक नगरी का नहीं। और रामचरितमानस कहने पर किसी खास पुस्तक की जानकारी हमें मिलती है, पुस्तक विशेष की जानकारी मिलती है, हर पुस्तक की नहीं। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी व्यक्ति विशेष नाम से हमें परिचित कराए। तो किसी भी
पहाड़, नदी, देश, नगर, वार, महीना, वर्ष, त्योहार आदि का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ सकते हैं। यहाँ तक कि ऐतिहासिक घटनाएं और ऐतिहासिक युद्धों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकते हैं, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, सन 1857 का गदर आदि। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। किसी भी पदार्थ का जाति संबंधी जो समूह है, जिसे जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे पुस्तक, पहाड़, नदी आदि। पहाड़ कहने पर दुनिया भर का कोई भी पहाड़ उसमें आ सकता है, और नदी कहने पर दुनिया भर की किसी भी नदी की ओर संकेत जा सकता है। इस प्रकार की संज्ञाओं को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जातिवाचक सभी संज्ञाएं अर्थवान होती हैं, क्योंकि ये जाति विशेष की ओर इंगित करती हैं। नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा। किसी भी पदार्थ के भाव या धर्म या गुण को बताने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे मिठास, चतुराई, दयालुता, बड़प्पन, बुढ़ापा आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। सृष्टि के हर पदार्थ का कोई न कोई धर्म या गुण होता है, जैसे मनुष्य में मनुष्यता होती है, पशु में पशुता होती है, मिठाई में मिठास होती है, अग्नि में उष्णता होती है। तो पदार्थ का जो ये धर्म है, ये गुण है, भाव है, ये संदर्भ विशेष में समानार्थी शब्द हैं, और इन्हीं के माध्यम से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ हमारे पास विशेष प्रकार हैं। कभी हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे लड़का से लड़कपन, मनुष्य से मनुष्यता, पशु से पशुता। विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे चतुर से चतुराई, धीरज से धैर्य, मीठा से मिठास आदि। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे अपना से अपनापन, मम से ममता। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे दूर से दूरी, वाहवाह से वाहवाही। क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे घबराना से घबराहट, सजना से सजावट और चलता से चलन। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। किसी भी पदार्थ या वस्तु के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे मनुष्यों का समूह सभा है, फूलों का समूह गुच्छा है, गुंडों का समूह गिरोह है। ये सारी संज्ञाएं समूहवाचक के अंतर्गत आएंगी। द्रव्यवाचक संज्ञाएं, जिन पदार्थों की नापतौल की जा सके उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध, तेल, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इनका बहुवचन नहीं होता है। संज्ञा के ये भेद हमने देख लिए। हालांकि संस्कृत में संज्ञाओं के इस प्रकार से भेद नहीं किए गए, तो एक प्रश्न उठता है कि जब संस्कृत में संज्ञा के इन भेदों की आवश्यकता नहीं थी, तो हिंदी में हमें इसके शिक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ी। दरअसल रूपांतरण में और व्युत्पत्ति में ये भेद प्रयुक्त होते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम भाषा शिक्षण में संज्ञा के भेद सीखते हैं। पर इसके साथ एक बात और भी है कि कई बार हालांकि हमने ये भेद कह लिए, कर लिए, समझ लिए, पर फिर भी कई बार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में, यानी ये उलटफेर चलता रहता है। जैसे पुरी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, पर जब हम पुरी कहते हैं तो इससे जगन्नाथ पुरी का अर्थ ध्वनित होता है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार देवी से दुर्गा का अर्थ व्यंजित होता है, सम्मत से विक्रम सम्मत का अर्थ व्यंजित होता है, और गोसाई से तुलसीदास का अर्थ ध्वनित होता है। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है, और कभी कभी इसका व्यतिक्रम होता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे
हम कहें कि मेरी बहू यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यहाँ पर लक्ष्मी शब्द हालांकि व्यक्तिवाचक है, परंतु इस वाक्य में वो विष्णु पत्नी लक्ष्मी के रूप में नहीं आया है, यहाँ वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया है, यानी कि गुणवती स्त्री के अर्थ को अभिव्यंजित कर रहा है। तो भेद तो है ही, परंतु ये उलटफेर भी चलता रहता है। अब हम बात करेंगे सर्वनाम पर। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द है। सर्वनाम जो सबका नाम है, कामता प्रसाद गुरु सर्वनाम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध के अनुसार संज्ञा के बदले में आता है। मैं, तुम, वह आदि सर्वनाम है। मैं बोलने वाला, तू सुनने वाला, यह निकटवर्ती वस्तु, वह दूरवर्ती वस्तु, ये सब सर्वनाम है। हमारे हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कुछ, क्या, कोई, कौन, ये 11 सर्वनाम हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। प्रयोग के आधार पर इन सर्वनामों को हमने 6 भागों में बांटा है। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। वक्ता के आधार पर सृष्टि में हम 3 वर्ग किए गए हैं। बोलने वाला पहला बोलने वाला यानी वक्ता, दूसरा सुनने वाला यानी श्रोता, तीसरा बोलने वाले और सुनने वाले यानी वक्ता और श्रोता के अलावा सब तीसरे के अंतर्गत आएंगे। ये जो सृष्टि के 3 वर्ग हैं, व्याकरण की भाषा में हम इन्हें पुरुष कहते हैं। तो प्रथम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तू, तुम और आप, और अन्य पुरुष यह, वह, जो, सो आदि सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। दूसरा सर्वनाम है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम स्वयं का बोध कराता है और इसके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी अभी हमने देखा कि मध्यम पुरुष में भी हमने आप शब्द देखा है, पर मध्यम पुरुष का आप और निजवाचक का आप दोनों में अंतर है। मध्यम पुरुष का आप बहुवचन के रूप में सम्मान देने के लिए प्रयुक्त होता है, पर निजवाचक का जो आप है वो एकवचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है। जैसे पुरुषवाचक में हम आपका प्रयोग करते हुए कहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, परंतु निजवाचक में आपका प्रयोग होगा मैं अपना काम आप ही कर लेता हूँ। यहाँ हमने उसका प्रयोग एकवचन के रूप में किया है। दूसरी बात कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग सिर्फ मध्यम पुरुष में होता है, यहाँ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों में होता है। जैसे मैं अपना काम आप करता हूँ, तुम अपने में सुधार कर रहे हो, ये मध्यम पुरुष में हमने प्रयोग किया, और अन्य पुरुष में वह अपने आप ही झुक गया है। इस प्रकार से तीनों पुरुषों में आपका प्रयोग होता है। आपके साथ कभी कभी हम खुद, स्वयं या स्वतः का प्रयोग भी करते हैं, जैसे मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। निकटवर्ती और दूरवर्ती वस्तु को निश्चयवाचक सर्वनाम के माध्यम से बताया जाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, रोटी मत खाओ वह जली हुई है, तुम जो करो वह थोड़ा है, इस प्रकार के सर्वनाम निश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे। नंबर 4 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम है जिनके माध्यम से किसी निश्चित वस्तु का या किसी निश्चित पदार्थ का पता नहीं चलता है। इसके लिए हम कोई या कुछ का प्रयोग करते हैं, जैसे दरवाजे पर कोई है। यहाँ कोई का प्रयोग
पुरुष के संदर्भ में आया है और पदार्थ या धर्म के संबंध में कुछ का प्रयोग होता है, जैसे दूध में कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिर गया। तो पदार्थ का जब संकेत करना होता है तो कुछ का प्रयोग करते हैं, और पुरुष के संबंध में बताना होता है तो कोई का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के माध्यम से प्रश्न पूछा या किया जाए तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कौन, क्या आदि। कौन का प्रयोग पुरुष में होता है, जैसे राजन आप कौन हैं, और क्या का प्रयोग हम पदार्थ या धर्म के लिए करते हैं, सीता क्या खा रही है। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में दो सर्वनामों के बीच हमें संबंध बताना होता है तब हम संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे जो लड़का रो रहा है वो कौन है, या वो कौन है जो रो रहा है। ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये विभिन्न सर्वनाम जो है प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। सर्वनाम के ये जितने भेद हमने देखे, इसके अतिरिक्त रूस के वैयाकरण डॉक्टर दीमशिस ने सर्वनाम का एक और भेद बताया है, वो है संयुक्त सर्वनाम, जैसे हर कोई, कोई न कोई, जो कोई आदि। इसका भी प्रयोग हिंदी में होता है और उसे एक नया नाम डॉक्टर दीमशिस ने दिया है, संयुक्त सर्वनाम। ये सारे सर्वनाम हमने अपनी परंपरा से, प्राकृत से, अपभ्रंश से प्राप्त किए हैं। आज हमने भाषा कौशल को समझते हुए भाषा कौशल के अंतर्गत विकारी, अविकारी आदि शब्दों को समझा, और हमने संज्ञा और सर्वनाम पे बात की। संज्ञा वह शब्द है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के नाम को कहते हैं। संज्ञा के पांच भेदों को हमने पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सर्वनाम में जो है संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के हमने छह भेद देखे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम अगली कक्षा में विशेषण और उसके भेद, क्रिया और उसके भेद, क्रिया विशेषण और उसके भेदों को सीखेंगे।